झारखंड की सत्ता पर काबिज हेमंत सोरेन को हटाने के लिए बीजेपी ने इस बार जी जान लगा दी है। हेमंत सोरेन पर लगे करप्शन के आरोप, चंपई सोरेन का जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आना। हेमंत की भाभी सीता सोरेन की बगावत से बीजेपी को उम्मीद है कि सत्ता पलटेगी, लेकिन जेएमएम को इस बार एक बहुत बड़ा फायदा कल्पना सोरेन के स्टार प्रचारक बनने से हुआ है। हेमंत के जेल जाने के बाद जिस तरह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीति में उतरी और छाती चली गई, उससे बीजेपी भी हैरान है। आज कल्पना की जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ती है। इसका पहला अंदाजा गांडेय विधानसभा के उपचुनाव में ही लग गया था, लेकिन उसको बाद में लोकसभा चुनाव में जगह जगह कल्पना की सभाओं की मांग होने लगी। उनकी जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ती, जिस अपनेपन के अंदाज से वे आम लोगों से कनेक्ट करती, उसने बीजेपी की चूल्हे हिला दी। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कल्पना गांडेय सीट से ही जेएमएम के टिकट पर मैदान में है। गांडेय विधानसभा सीट को जेएमएम का गढ़ माना जाता है और इस सीट पर हुए अब तक के चुनाव में 5 बार जेएमएम के उम्मीदवार ने अपनी जीत दर्ज कराई है। साल 1985, 1990, 2000, 2005 और 2019 में जेएमएम ने यहां से जीत दर्ज की थी। इस सीट से डॉक्टर सरफराज अहमद भी 2 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। एक बार वर्ष 1980 में कांग्रेस के टिकट पर इन्होंने चुनाव जीता है, जबकि वर्ष 2019 में जेएमएम से विजयी होकर विधानसभा पहुंचे हैं। मुस्लिम और आदिवासी बाहुल क्षेत्र होने के कारण जेएमएम के लिए यह सीट सबसे सुरक्षित मानी जाती है। यही कारण है कि जेएमएम ने कल्पना को यहां से उतारा। उपचुनाव में कल्पना ने यहां से जीत दर्ज की, लेकिन बात करें साल 2019 के चुनाव की तो जेएमएम के डॉक्टर सरफराज अहमद ने 65,023 वोट लाकर भाजपा के जयप्रकाश वर्मा को 8,855 वोट से हराया था। बीजेपी के जयप्रकाश वर्मा को 56,168 वोट मिले थे, जो दूसरे स्थान पर रहे। आजसू के अर्जुन बैठा को 15,361 वोट मिले, जो तीसरे स्थान पर थे। गांडे में 2,69,330 वोटर हैं, जिसमें से 1,87,343 वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया था। जितने बड़े बड़े नेता हैं आप लेकर के आइए, झारखंड का हर एक सिपाही तैयार है, हमारी माताएं बहनें तैयार हैं, क्योंकि अगर चेहरों में खुशियां देने का काम किया है योजनाओं के तहत, वो हेमंत सोरेन जी ने किया है। आज मैया सम्मान योजना की बात होती है, झारखंड में फिजा चल रही है, वो फिजा है मैया की। वो किस लिए मैया की है कि हमारी माँ की ताकत को अगर सशक्त करने का काम करने किया है, तो वो हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को झारखंड में झटका लगा था। उस दौरान कल्पना सबसे बड़ी स्टार प्रचारक के तौर पर उभर कर सामने आई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की छोटी बहू और सीएम हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जनवरी 2024 से पहले अराजनीतिक छवि लेकर चलती रही। राजनीति में पति हेमंत थे और पर्दे के पीछे रहकर कल्पना काम संभालती रही, लेकिन अचानक ईडी के छापों और उसके बाद करप्शन के आरोप में हेमंत की गिरफ्तारी, हेमंत का सीएम पद से इस्तीफे के कारण कल्पना पर्दे के पीछे से फ्रंट फुट पर आ गईं। फिर अचानक हेमंत की जगह उनको सीएम बनाने की कोशिश होने लगी, तो पार्टी के अंदर से विरोध के सुर भी उठे। उसके बाद बुजुर्ग चंपई सोरेन को सीएम बनाया गया और विधायकों की इस बैठक में कल्पना भी मौजूद थी अपने पति की प्रतिनिधि के तौर पर। वहीं से अंदाजा हो गया कि कल्पना मुर्मू सोरेन ने राजनीति के मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। दरअसल कल्पना का मायका ओडिशा के उसी मयूरभंज जिले के रायरंगपुर इलाके में है, जहां से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आती हैं। वे बलहदा प्रखंड के तेतला गांव की रहने वाली हैं, जो रायरंगपुर अनुमंडल का ही हिस्सा है। कल्पना की खास बात यह है कि वे शिक्षित होने के साथ ही संथाली, उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी जैसे भाषाओं पर पकड़ रखती हैं। उनके पिता सेना में अफसर थे और इसलिए कल्पना की शुरुआती पढ़ाई बारीपदा के केंद्रीय विद्यालय से हुई। इसके बाद उन्होंने भुवनेश्वर के एक कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई की। बिजनेस मैनेजमेंट में रुचि के कारण उन्होंने एमबीए की भी डिग्री ली। उनकी एक पहचान झारखंड की बिजनेस वुमेन और समाज सेविका के तौर पर भी है। वे रांची में एक प्ले स्कूल की संचालिका हैं और एक निजी कंपनी की डायरेक्टर भी हैं।
फरवरी 2006 में हेमंत सोरेन से शादी के बाद से वे रांची में रहती हैं। हेमंत और कल्पना सोरेन के दो बेटे निखिल और अंश हैं। इस साल लोकसभा चुनाव के साथ गांडे विधानसभा का उपचुनाव भी हुआ था। इस चुनाव में जेएमएम ने कल्पना सोरेन को पहली बार चुनाव मैदान में उतारा। चार पांच मास हुई लेना है कमी करते आनी तो आ मिट्टी नुआ असली वाला चुनाव है ना आर नुआ तो झारखंड पूरा दिसंबर हुई करना चुनाव तो आप यह दुलड चाहिए उनारे आर जहाँ लेकिन आप तो बढ़ाया गया है आप रन बेटा जेल भुतरी रे आदर के दाग उन्हों बीजेपी होड़ को है से उनारे यह बदला हथा हो बोल आज झारखंड रे वहाँ गांडे तू जितो तू जितो वहाँ बोन अब यह दाढ़े पे ये वना साँव साँव ते पूरा झारखंड रे हो ज्यादा ते ज्यादा सीट हताओ करते जितो करते आम मिधोते आप इरेन दादा आप इरेन बेटा को आम मुख्यमंत्री बनाओ वहाँ बोन आज जहाँ लेकर मैया सम्मान है ना है बिजली बिल माफी है ना है कल्पना सोरेन ने विधानसभा उपचुनाव में 26,483 मतों से जीत हासिल की। कांडे विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन को 10,08,975 वोट मिले जबकि बीजेपी दिलीप वर्मा को 82,492 वोट हासिल हुए। इससे साबित होता है कि बीजेपी के लिए यह चुनौती कितनी कड़ी है और इतनी जल्दी दोबारा हो रहे विधानसभा चुनाव में भी लोग कल्पना को ही आगे मानते हैं। ऐसे में बीजेपी ने दिलीप वर्मा का टिकट काटकर कुशवाहा समाज की मुनिया देवी को मैदान में उतारा। 6 महीने पहले ही गांडे उपचुनाव में हारी बीजेपी ने अब दिलीप वर्मा की जगह जमीन से जुड़ी मुनिया देवी को मैदान में उतारा। पिछले 10 महीने में ही पर्दे के पीछे से निकलकर जेएमएम के स्टार प्रचारक बन चुकी कल्पना सोरेन को चुनौती देने की बड़ी जिम्मेदारी मुनिया देवी को बीजेपी ने क्यों सौंपी, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी ने किसी हाई प्रोफाइल चेहरे को उतारने की जगह जमीन से जुड़ी मुनिया देवी पर भरोसा किया है। कुशवाहा समाज से संबंध रखने वाली मुनिया देवी अभी गिरिडीह की जिला परिषद अध्यक्ष हैं। मुनिया देवी 1 साल पहले ही भाजपा में शामिल हुई थी। पिछले साल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा के दौरान उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। मुनिया देवी 2010 के पहले पूरी तरह से घर का कामकाज ही करती थी। 2010 से 11 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जमुआ पूर्वी भाग से जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुई। इसके बाद जिला परिषद की अध्यक्ष बनी। इसके बाद उनकी राजनीति में भागीदारी बढ़ती गई। 2022 में दोबारा जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुई और फिर से जिला परिषद अध्यक्ष बनी। इस बार विधानसभा चुनाव में पहली बार किस्मत आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरने वाली मुनिया देवी के पति कौलेश्वर वर्मा व्यवसायी हैं। इनका ससुराल जमुआ विधानसभा क्षेत्र में है जबकि मुनिया देवी का मायका गांडे विधानसभा क्षेत्र में आता है। दरअसल प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा के बीजेपी छोड़ने के बाद गांडे क्षेत्र में बीजेपी को एक मजबूत कुशवाहा नेता की तलाश थी। इस दौरान जून 2023 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा में मुनिया देवी पार्टी में शामिल हुई थी। जिला परिषद की अध्यक्ष मुनिया देवी का कहना है कि गांडे उनका मायका है और यहां के हर एक गांव घर से वो वाकिफ है। यहां के लोग भी उनसे स्नेह करते हैं। मैं अभी माननीय भारतीय जनता पार्टी ने हम पर विश्वास जताई है। भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट दिए हैं सभी जनता का आशीर्वाद से। अभी देख रहे हैं कि हम पानी में घूम घूम के देख रहे हैं, घूम रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कितना हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, पूरा एकदम ललायत हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जीत सुनिश्चित हो और भारतीय जनता पार्टी का सीट झोली में जाए, तभी हमारे गांडे विधानसभा का विकास हो सकता है। अभी गांडे विधानसभा आप देख सकते हैं कि 0 के मामले में है। मैं पूरा गांडे विधानसभा क्षेत्र घूम रही हूँ तो घूमने के बाद पता चलता है कि हमारे गांडे विधानसभा में कोई विधायक कभी पहले है ही नहीं था, इस तरह से देखने को मिल रहा है। गांडे में पिछली बार भले ही कल्पना जीत गई हूँ लेकिन इस बार मुनिया देवी उनको तगड़ी चुनौती पेश करने का दावा कर रही है। जातीय समीकरणों की बात करें तो गांडे में 26% मुस्लिम, 20% आदिवासी और 11% अनुसूचित जाति के वोटर हैं। साथ ही 10% से ज्यादा कुर्मी वोटर भी हैं। इसमें से मुस्लिम और आदिवासी यानी 46% इंडिया गठबंधन का कोर वोटर है। यही मुनिया देवी की असली परीक्षा होनी है। हिमालयन न्यूज की रिपोर्ट।